हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग आना एन टीवी और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। फ्रेंड्स, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे कर लिए हैं 3000 एपिसोड। और 3000 एपिसोड पूरे करने के मौके पर पूरे स्टार कास्ट ने जमकर मस्ती की। तो चलिए आपको दिखाते हैं जश्न का वीडियो और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं क्या कुछ है टीवी की लेटेस्ट अपडेट। द कपिल शर्मा शो के जान सुनील ग्रोवर जो रिंकू भाभी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर स्टेज पर नजर आया करते थे, उनकी कमी शो में हमेशा खलती है। पर अब सुनील ग्रोवर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो कपिल शर्मा शो में उनकी वापसी का इशारा माना जा रहा है। सुनील ग्रोवर के इस ट्वीट से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा शो इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। शो में इस वीकेंड प्रस्थानम की टीम प्रमोशन करने पहुंची थी। इस बीच शो के चहेते किरदार चंदन प्रभाकर और सुमोना चक्रवर्ती की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें चंदू चायवाला का रोल करने वाले चंदन प्रभाकर दुल्हा और सुमोना चक्रवर्ती दुल्हन बनी नजर आ रही हैं। टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने हाल ही में 3000 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी जश्न की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसी के साथ ये सीरियल टीवी का सबसे लंबा चलने वाला सीरियल बन गया है। खुशी इतनी है कि 3000 एपिसोड पूरे होने का जश्न लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। सीरियल कसौटी जिंदगी की में निभाए प्रेरणा के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी फिर एक बार टीवी की दुनिया में कमबैक करने जा रही है। श्वेता मेरे डैड की दुल्हन नाम के एक नए शो में मेन लीड में नजर आएंगी। मेरे डैड की दुल्हन की कहानी बाप बेटी की कहानी पर बेस्ड होगी। रवीना टंडन का डांस रियलिटी शो नचबलिए 9 के होस्ट मनीष पॉल से सेट पर झगड़ा हो गया है। शो के सेट से एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। दरअसल शो की जज रवीना टंडन और होस्ट मनीष पॉल के बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई है जिसके कारण शो की शूटिंग एक घंटे तक रुकी रही। हालांकि बताया जा रहा है कि ये झगड़ा एक गलतफहमी के कारण हुआ था। तो देखा आपने क्या कुछ रहा टीवी में खास। टीवी की और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए टीवी तड़का और बने रहिए R9 टीवी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।